हमें बदलना पड़ेगा इस ब्लैक बोर्ड को। ये जरा सोचिए कि इस ब्लैक बोर्ड पे कौन सा शिक्षक जो है इन बच्चों को पढ़ाएगा, और ये अगर इस ब्लैक बोर्ड पे बच्चे पढ़ेंगे तो बच्चों का भविष्य जो है वो ब्लैक होगा कि नहीं होगा। जरा सोचिए, ये ब्लैक बोर्ड देखिए, ये कौन सा ब्लैक बोर्ड है। बहुत सारे पत्रकार आते हैं और शिक्षकों से उल्टा सीधा सवाल पूछते हैं। अगर हमारे शिक्षक अनपढ़ हैं तो अनपढ़ शिक्षकों को भर्ती किसने किया है, ये सरकार ने, तो ये सरकार की जवाबदेही बनती है। इन सब चीजों को दिखाइए और इन सब चीजों को दुरुस्त कीजिए। हालांकि इसमें दो ब्लैक बोर्ड है, एक पीछे वाला का भी स्थिति देखिए, SKY SK सविता और ना जाने क्या क्या लिखा हुआ है इस ब्लैक बोर्ड पे। यानी भारत सरकार, बिहार सरकार या कोई भी सरकार इस देश के युवाओं का भविष्य दोनों साइड से अंधकार में डाल रहा है। इस साइड से भी अंधकार में डाल रहा है और इस साइड से भी अंधकार में डाल रहा है। और देखिए क्या क्या इन सब चीजों पे दीवालों पे लिखा हुआ है, और अश्लील बातें जो है दीवालों पे लिखा हुआ है, अश्लील बातें। ये देखिए अश्लील अश्लील फोटो बनाया गया है दीवाल पे, और ये सरकारी स्कूल है। ये देखिए सारी अश्लील बातें जो है वहां पे लिखा हुआ है, देख सकते हैं। अगर प्रिंसिपल साहब ईमानदार हैं तो इस प्रकार का भ्रष्टाचार क्यों हुआ। चलिए प्रिंसिपल साहब बेईमान हैं तो उनका काम नहीं है प्लास्टर कराना। प्लास्टर कराना जिसका काम है वो कमीशन लेके निकल गया, और क्यों निकल गया, सच्चाई है। चलिए मैडम, हम आपसे कुछ नहीं पूछेंगे लेकिन उम्मीद करेंगे कि आप ईमानदारी से जो है बच्चों को पढ़ाएंगे। चलिए ठीक है, इस क्लास में भी बच्चे नहीं थे लेकिन अभी बच्चे यहाँ पे आ गए हैं, और यहाँ पे एक शिक्षक जो है बच्चों को पढ़ा रहे हैं। प्लस क्या होगा जी? एक मिनट। x इंटू बी प्लस बी का होल स्क्वायर जी। हाँ ठीक है ना। एक मिनट सर, क्या नाम हुआ आपका? अवध किशोर सिंह। बहुत बढ़िया, आप बहुत अच्छी बातों को पढ़ा रहे हैं। आपको मैथ का फॉर्मूला भी याद है। कौन से क्लास के बच्चे हो तुम लोग? कौन सा? एट, आठवां। सर अच्छा पढ़ाते हैं? यस। चलिए ठीक है, सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और सर को जय हिंद, क्योंकि यहाँ पे मैथ का फॉर्मूला बना रहे हैं। जरा सोचिए, लेकिन ये शिक्षक जो है इस ब्लैक बोर्ड पे अगर फॉर्मूला बनाएंगे तो क्या बच्चों को दिखेगा? पूरा ब्लैक बोर्ड जर्जर है, आप देख सकते हैं। देखिए, देख सकते हैं, ये बच्चे जो हैं वो बेंच पे बैठने चाहिए। इन बच्चों के क्लास में जो है वो लैपटॉप कंप्यूटर होना चाहिए, वाईफाई होना चाहिए, लेकिन ये बच्ची जो है ना वो गरीब की बेटी है, वो बच्चा जो है ना गरीब का बेटा है, इसलिए इन लोगों के लिए वो काम नहीं होता है और अमीरों के बच्चों के लिए वो सारा काम होता है। ये है सच्चाई, और इस दृश्य को हम लोगों को बदलना होगा। ये देखिए खिड़की, जहाँ पे जिस देश में स्कूल में और हॉस्पिटल में भ्रष्टाचार हो जाए उस देश का भविष्य जो है ना इसी ब्लैक बोर्ड की तरह काला हो जाता है, ये सच्चाई है। चलिए सर बहुत बढ़िया, आप अपना काम कीजिए, हम आपसे कोई सवाल नहीं पूछेंगे, क्योंकि हम नहीं सर, नहीं सर आप देखिए, एक मिनट सर मैं बताता हूँ, आप अपना काम ईमानदारी से कीजिए। आप शिक्षक हैं, मैं पत्रकार हूँ, मैं अपना काम ईमानदारी से करूँगा, मैं गुरु बनने का प्रयास नहीं करूँगा। सर सर अगर हम बच्चे हमारे साथ हैं तो अगर हम सोचते हैं कि अगर बच्चे कुछ दे दें तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, 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 नहीं। लेकिन गुरु आप हैं, आप गुरु बनिए और ईमानदारी से गुरु बनिए। मैं गुरु बनने का प्रयास नहीं करूंगा लेकिन एक बच्चे से सवाल करूंगा। ये बच्चे से देखिए, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री चाय बेच के आप प्रधानमंत्री बन गए हैं, क्या ये बचवा यहाँ पे बैठ के IAS IPS बनेगा, प्रधानमंत्री बनेगा? जरा बताइए बाबू, क्या नाम है तुम्हारा? सोनू। किस क्लास में हो तुम? एट में। तुम्हारा क्लास का कंडीशन सही है? अरे ससुरा कैसे कंडीशन सही है, नीचे बैठा है, कंडीशन का मतलब है नहीं जानता है बचवा, ये सच्चाई है। अगर जानता तो शायद से ऐसा नहीं कहता। यहाँ पे बच्ची बैठी है सब, ये खिड़की कब इन लोगों के सर पे गिर जाएगा कोई गारंटी नहीं है। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, ये देखिए बाबू सर उठाओ तो थोड़ा सा धीरे से उठाना, ये देखिए, ये है सच्चाई, ये देखिए, ये देखिए। हाँ सर, कोई बच्चा जो हम लिखवाए हैं प्लस बी का होल स्क्वायर को बताएगा? कोई डरे नहीं है जो जानते हैं बाबू। देखो देश के संपत्ति पे और देश पे जो है ना हम लोगों का अधिकार है, हम गरीबों का और हम मध्यम वर्गियों का अधिकार है, हमें अपना अधिकार जानना होगा। और तुम लोग आठवां क्लास में हो बाबू, आज अगर तुम लोग अधिकार नहीं जानोगे ना तो कल तुम्हारा बच्चा इसी क्लास में इसी तरह नीचे बैठेगा, फटा हुआ बैग लेके, फटा हुआ शर्ट लेके। कितने दिन से प्रिंसिपल हैं आप?
दो साल से मैडम। चलिए ठीक है, आप गुरु हैं, आपका पांव छूना चाहता हूं। और नहीं ठीक है, आशीर्वाद दीजिए आप हमको कि हम लोग जो है ईमानदारी से काम करें। सर पे हाथ रखिए, आशीर्वाद तो दीजिए कम से कम, आशीर्वाद तो दीजिए कम से कम। आशीर्वाद नहीं देना चाहती हैं, चलिए ठीक है, जब आशीर्वाद नहीं देना चाहती है तो सवाल तो टाइट पूछना ही पड़ेगा मैडम से। आशीर्वाद दे देती तो नहीं पूछता। मैडम, इस स्कूल में भ्रष्टाचार होता है कि नहीं होता, ईमानदारी से बोलिएगा। नहीं, भ्रष्टाचार नहीं है मैडम, पूरा ये जो है ना उधर गया है, ब्लैक बोर्ड सही नहीं है, भ्रष्टाचार नहीं है। दो साल से सुनिए हाँ। 2 साल से कोरोना में बंद था, ठीक है, मतलब कोरोना में सारा ब्लैक बोर्ड खराब हो गया, सारा प्लास्टर खराब हो गया। पहले बात सुनिए, कोरोना में बंद था, उसके पहले प्रिंसिपल कोई और था, ठीक है, और उसके समय से ये व्यवस्था बिगड़ा हुआ है। उसके समय से जी, यानी पिछला प्रिंसिपल के समय से व्यवस्था बिगड़ा हुआ है, यानी पिछला प्रिंसिपल जो थे उस समय भ्रष्टाचार हुआ था। अब ये हम नहीं बता सकते, पिछला प्रिंसिपल के समय से व्यवस्था बिगड़ा हुआ है लेकिन भ्रष्टाचार हुआ है कि नहीं हुआ है ये नहीं बता सकती हैं। जरा सोचिए, जिस स्कूल में ब्लैक बोर्ड सही नहीं है, जिस स्कूल में यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे टाइल्स टूटा हुआ है, यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए ये देखिए, यहाँ पे जिस स्कूल का छत सही नहीं है, जरा सोचिए उस स्कूल में बच्चों का भविष्य सही कैसे होगा। चलिए मैडम, आपने अपना बात बता दिया, ये देखिए, ये क्लासरूम देखिए, ये है खला क्लासरूम, हड़प्पा और मोहनजोदड़ा की खुदाई में ये क्लासरूम निकला था और उसी में बिहार के बच्चे पढ़ते हैं। चलिए आगे एक क्लासरूम में आएंगे, यहाँ पे क्या नाम हुआ सर आपका? अब्दुल जब्बार सर। अच्छा, क्या पढ़ा रहे हैं बच्चों को? सब पहले दूसरा का लड़का है सर। मतलब क्या पढ़ा रहे हैं? अब कोखा है, ABCD है, मतलब सब पढ़ाते हैं, हिंदी अंग्रेजी दोनों पढ़ाते हैं और हिंदी भी है। हिंदी अंग्रेजी दोनों पढ़ाते हैं जी, जो पढ़ता है सो पढ़ाते हैं, जो पढ़ता है वो पढ़ा देते हैं, मतलब ऑलराउंडर है आप, रविंद्र जडेजा जैसे सर। ऐसी बात है, इस क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाइएगा, अगर क्लासरूम ऊपर से गिर जाएगा, बच्चे को अगर कुछ चोट वोट लग जाएगा तो कैसे होगा सर? तो कहाँ ले जाएंगे, कहाँ ले जाएंगे, इनकी भी मजबूरी है, ये बेचारे क्या बोले, कहाँ लेके जाएंगे बच्चों को? और अगर सरकार के खिलाफ बोलेंगे तो सरकार जो है इनके ऊपर फतवा जारी कर देगा और इनको यहाँ से सस्पेंड कर देगा, सच्चाई है। लेकिन मजबूरी है, इनको इस क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाना है और ये भोला भाला बच्चा का भविष्य जो है ना वो देखिए, इन क्लासरूम में बैठ के इन काले स्लेट पे जो है ना वो काला ही होगा। अगर सरकार जो है बनाने का प्रयास नहीं करेगा, इन बचुआ सब का क्या गलती है? और जरा सोचिए, यहाँ पे मैं चाहूँ तो इनसे उल्टा सीधा सवाल पूछ के जो है इनको बेइज्जत कर सकता हूँ। इस सिस्टम को सुधारने का प्रयास जो है ना सबको करना पड़ेगा। मैं पत्रकार हूँ, ईमानदारी से प्रयास करूँगा, ये गुरु हैं, ईमानदारी से प्रयास करेंगे और बिहार के लोग ईमानदारी से प्रयास करेंगे, तब बिहार के बच्चों का भविष्य जो है ना ये काला बोर्ड की तरह काला नहीं होगा। बस आगे चलेंगे और कुछ और क्लासरूम दिखाएंगे। ये देखिए कितना भोला भाला बच्चा है, देखिए कितना, क्या नाम है बाबू आपका? नंदनी। क्या? नंदनी। नंदनी, अरे इसके भी हाथों के लकीरों में भारतीय लिखा हुआ है। देखिए ये बच्ची हंस रही है, क्यों? क्योंकि इसको पता ही नहीं है मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको लग रहा है मैं कॉमेडी कर रहा हूँ, लेकिन छोटी बच्ची है। ये लोग भी जो है ना हाथों की लकीरों में किस्मत लेके पैदा होते हैं, लेकिन यहाँ के नेता जो है ना इनके हाथों के लकीरों में भ्रष्टाचार लिख देते हैं, इसीलिए इन लोगों का किस्मत नहीं बन पाता है, सच्चाई ये है। देखिए ध्यान से, ये सभी छोटे छोटे बच्चे हैं। चलिए अगले क्लासरूम में चलेंगे और वहाँ पे भी जानने का प्रयास करेंगे, उसके पहले ही क्लासरूम में घुसने वाले बच्चे के सर के ऊपर कभी भी ईंट गिर सकता है। चलिए आगे चलेंगे, यहाँ पे एक सर हैं और देखिए पहले बच्चों को देखिए, ये बच्चे कितने भोले भाले मासूम हैं और आप देखने से ही कह सकते हैं कि ये ना अमिताभ बच्चन के बच्चे हैं, ना अडानी के हैं, ना अंबानी के हैं और ना ही रणबीर कपूर, सही है कि नहीं है? ये सभी गरीब के बच्चे हैं। इन लोगों को भी उम्मीद है कि सरकारी स्कूल में पढ़ के हम सरकारी अधिकारी बन जाएंगे, लेकिन जरा सोचिए इस खंडहर स्कूल में पढ़ेंगे, इस खंडहर बोर्ड पे पढ़ेंगे तो ये बच्चों का भविष्य बनेगा? क्या ये बच्चे सरकारी अधिकारी बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे। ये बच्ची का क्या गुनाह है? इसके हिस्से का पैसा मार लिया जा रहा है, इन बच्चों के हिस्सों का पैसा मार लिया जा रहा है। ये देखिए वो पीछे एक भोला भाला बच्चा बैठा हुआ है, उसको पता ही नहीं है मैं क्या बोल रहा हूँ। इन बच्चों की मासूमियत देखिए ध्यान से, शायद इन बच्चों का कपड़ा जो है ना
कुछ बड़े बड़े लोगों को गंदा लगेगा, लेकिन इन बच्चों का कपड़ा गंदा नहीं है भाई साहब। आप लोगों का मन और तन दोनों गंदा हो चुका है, इन लोगों के हक के लिए काम होना चाहिए। अरे कुछ नहीं चाहिए इनको, ना अडानी से पैसा चाहिए, ना अंबानी से, ना पतंजलि से, ना टाटा से, ना बिरला से, ना मोदी से, ना नीतीश कुमार से। इनको तो इनका हक चाहिए, जो इनके माँ बाप जो है ना मेहनत के रूप में भारत को बनाने का प्रयास करते हैं, और जिन चीज़ों के लिए ये बच्चे टैक्स भरते हैं, यहाँ तक कि इस पर भी टैक्स भरे होंगे, इस पर भी टैक्स भरे होंगे, और ये चड्डी जो पहना है ना बचुआ उस पर भी टैक्स भरा है। अरे इनको इनका हक दे दीजिए सरकार, कम से कम इस देश में शिक्षा और स्वास्थ्य दो चीज पूरा मुफ्त होना चाहिए। और आप लोग घबराइए मत, आप लोगों को कहीं परेशान नहीं करने वाला हूँ मैं उस सिस्टम को परेशान करूंगा जो आपको और आपके बच्चों को दोनों को परेशान किया है। मैडम कहीं उल्टा सीधा सवाल नहीं पूछूंगा, चार सवाल पूछ दूंगा, आप नहीं जवाब दीजिएगा मुझे पता है, उससे मैं बड़ा नहीं बन सकता मैडम, मैं उस सिस्टम से सवाल कर रहा हूं। आज प्रिंसिपल हैं आप, आपका बच्चा कल प्रिंसिपल नहीं बनेगा, परसों उसको इसी काला बोर्ड पे पढ़ना पड़ेगा, इसी स्कूल में पढ़ना होगा। हालांकि आप दो तीन पुस्तक के लिए कमा लीजिएगा तो अलग बात है, लेकिन आने वाला भविष्य तो अंधकार में जाएगा ही जाएगा। चलिए अब देखिए यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए, इसमें खिचड़ी बनाया जाता है बच्चों के लिए, और कभी कभी छिपकली ऊपर से गिर जाती है। ऊपर से जरा सोचिए कि ऊपर से छिपकली गिर जाएगी तो इन लोगों का क्या दोष होगा, इतना गंदा कंडीशन में ये लोग बनाएंगे तो छिपकली तो गिरेगा ही। और कितना सैलरी देता है सरकार आपको, कितना महीना मिलता है? हमें क्या है, हाँ कितना पैसा मिल रहा है, कितना मिल रहा है? 1650 कितना? हमको टाइम नहीं है, हमारे सास जी इतना लिए तो हम करते नहीं, अभी नाम नहीं के चढ़ा, अभी नाम नहीं के चढ़ा ना, महीने के काम करते हैं। सास रहुआ कितना मिलेला? हमारे इनके इतना मिलेला, 1650 रोज मिलेला महीना में 1650 रुपया रोज या महीना। अरे शर्म करो इस देश के नेताओं कि इस देश की महिलाएं जो है 1650 रुपया में महीना का काम करती है और बच्चों का खाना बनाती है, जरा शर्म करो। देखो सक्षम भारत की बात करने वालों, महिलाओं की बात करने वालों, युवाओं की बात करने वालों, शिक्षा की बात करने वालों, स्वास्थ्य की बात करने वालों, देखो ये तुम्हारा भ्रष्टाचार का नतीजा है कि भारत का भविष्य जो है ना वो बर्बाद हो रहा है, चाहे वो बच्चा हो, महिला हो, बुजुर्ग हो, लेकिन अगर वो साधारण परिवार के हैं, गरीब परिवार के हैं, तो उनका भविष्य जो है दिन रात बर्बाद हो रहा है, ये है सच्चाई। चलिए ठीक है, इधर शौचालय है, लेकिन शौचालय का सारा गेट जो है वो टूटा हुआ है, आप देखिए कोई लेटरिन सही नहीं है। और ऐसे ही स्कूलों में कभी बीडीओ साहब आ जाते हैं पीछे, कभी सीईओ साहब आ जाते हैं, कभी डीएम साहब आ जाते हैं, और टीचर से उल्टा सीधा सवाल पूछते हैं, और टीचर के पीछे जाके खड़े हो जाते हैं, बेचारा टीचर सोया हुआ रहता है। इन क्लास में टीचर सोएगा नहीं तो क्या करेगा, जरा सोचिए, आप ही लोग सोचिए, जरा सोचिए, इन क्लास में टीचर तो सोएगा ही। कुछ दिन पहले ये बहुत सारे चैनलों पर दिखाया गया था कि वीडियो साहब पीछे से क्लास ले रहा है और शिक्षक सोया हुआ है, तो क्या करेगा शिक्षक? आप लोग जो भ्रष्टाचार करते हैं उसका भेंट जो है शिक्षक से लेके, खाना बनाने वाले से लेके, चपरासी से लेके, बच्चा भी चढ़ जाता है। ये देखिए क्लासरूम में हग दिया गया है, देखिए ध्यान से देखिए, क्लासरूम में हगा गया है, ये देखिए, ये बिहार का सर्व शिक्षा अभियान का एक क्लासरूम है जिसमें बाथरूम किया गया है, टॉयलेट संडास किया गया है, बिहारी भाषा में हक दिया गया है, जरा सोचिए क्यों? क्योंकि कहीं नहीं तो कहीं बच्चों को टॉयलेट लगा होगा, और बाथरूम जब नहीं मिला होगा तो बच्चे क्लासरूम में आके किए होंगे। ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, विधानसभा निर्वाचन 2020 जिला सिवान सिसवन, यहाँ पे लिखा हुआ है पंचायत आम निर्वाचन 2021, यानी विधायक का हो, सांसद का हो, या मुखिया का चुनाव जब ये स्कूल ईमानदारी पूर्वक करा सकता है, तो यही स्कूल बच्चों का भविष्य ईमानदारी पूर्वक क्यों नहीं बनाता है, जरा सोचिए। और बच्चों का ईमानदारी पूर्वक भविष्य बनाने का प्रयास जो है ना, शिक्षकों के साथ साथ, पत्रकारों के साथ साथ, देश के नेताओं के साथ साथ, देश के जनता को भी करना होगा। और जिस दिन देश का जनता जो है
अगर ईमानदारी पूर्वक आवाज़ उठाना शुरू कर देगा तो शायद जो है ये स्कूल जो है वो खंडहर नहीं होगा। अगर गूंगा बहरा अंधा नहीं है आप लोग तो आज़ाद भारत में आज़ादी के साथ आवाज़ उठाएं और इस दृश्य को बदलने का प्रयास करें। बाकी हमारा ये प्रयास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, और आपके आसपास में कहीं भी किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार हो तो सिस्टम को सुधारने का लगातार आप लोग प्रयास करते रहना। जय हिंद।